Hello everyone, welcome to Civil Exam Guru. In this video, we will discuss the some questions of highway engineering. So let's start our video. So guys, if you are preparing from GPSC exam, GPSC A exam of civil engineering stream, so you can subscribe my channel if you are visited or watching the lecture first time. So these are the some questions which we are recently asked in GPSC exam. Let's see the what is the first question. The requirement of the good road. Good road की requirement क्या होती है? Road जो है अच्छा हो इसके लिए क्या ज़रूरत होता है? तो it should have easy gradient. Gradient भी easy होना चाहिए. It should be dry और unyielding भी होना चाहिए. और it should be durable. तो इसमें जो है ना तीनों answer आना चाहिए. But इसमें question में not आना चाहिए. क्वेश्चन वुड बी नॉट रिक्वायर इस नॉट बी द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रोड. तो इसमें से आंसर जो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा. नन ऑफ द अबो मेंशन हियर. इसमें से कोई भी नहीं हो सकता. मतलब नॉट रिक्वायरमेंट आना चाहिए. बट जो है गुड रोड की रिक्वायरमेंट क्या होती है? इट शुड बी ईजी, इजी टू कंस्ट्रक्ट, अलाइनमेंट उसका अच्छा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है, ड्राइंग होना चाहिए, हेल्डिंग होना चाहिए. सो ये कुछ इसका जो है गुड रोड का ड्यूरेबिलिटी है और उसका रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो दोस्तों, यदि आप जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले एग्ज़ाम के PYQ करने बहुत ज़रूरी होते हैं. तो उस हिसाब से मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ. इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें कुछ डिस्कस करने वाले हैं. तो GPSC के अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर नीचे जो है लिखा हुआ है कौन से एग्ज़ाम के लिए, कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो सेकंड क्वेश्चन है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस वे वॉज प्लान बाय इन. सबसे पहले जो है एक्सप्रेस वे की प्लानिंग जो है सबसे पहले किस में हुई थी, कौन से प्लान में हुई थी? नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ प्लान या जयकार कमेटी. किस कमेटी के द्वारा या किस प्लान के अंदर हमने सबसे पहले एक्सप्रेस वे वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था? एक्सप्रेस वे वर्ड को हमने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन इसका बी आ जाएगा, बॉम्बे प्लान के अंदर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया एज पर 31/3/2019 के अकॉर्डिंग भारत में नेशनल हाईवे की टोटल अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी है? तो टोटल अप्रोक्सीमेट लेंथ इंडिया के अंदर 130,000 किलोमीटर है नेशनल हाईवे की. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 हमको ये बता रहा है कि एज पर द थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान, तीसरे रोड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग द प्राइमरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रोड. तो प्राइमरी सिस्टम में किस प्रकार के रोड को समावेश किया गया था? तो थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान के अंदर प्राइमरी सिस्टम जो था उसके अंदर हमने एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे इनको कंसीडर किया था. नेक्स्ट इज फॉर द हाईवे अलाइनमेंट प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग सर्वे इज कैरिड आउट एट द फर्स्ट स्टेज. यदि आपको हाईवे बनाना है तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग रूट को डिसाइड करने के लिए हाईवे अलाइनमेंट फिक्स करते हैं. तो हाईवे अलाइनमेंट फिक्स करने के लिए हम जो इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं उसका फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेज जो है इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर मैप की स्टडी होती है. रिकॉनेसेंस सर्वे जो है वो जनरल लेआउट जो है उसकी उसको जानने के लिए हम लोग जो है ओनली विजिट करके देखते हैं कि फिजिबल है या नहीं है, तो उसको हम लोग रिकॉनेसेंस सर्वे करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ हाईवे प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट. जो जनरल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो कौन कौन से भारत की बड़े बड़े सिटी को, मेजर सिटी को ज्वाइन करता है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चार मेजर सिटी को ज्वाइन करने वाला हाईवे प्रोजेक्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट इज
द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY रूरल रोड प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन ईयर। सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रूरल रोड प्रोजेक्ट जो है कौन से साल में स्टार्ट की गई थी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 2000 के अंदर जो है सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट की गई थी। द जनरल लेआउट ऑफ द साइट ड्रॉन एज ए लाइन डायग्राम टू अ स्मॉल स्केल विद द सराउंडिंग प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड एडजॉइनिंग रोड इज कॉल्ड एज। हम जो एक साइट ड्रॉ करते हैं उसका एक जनरल लेआउट होता है और उसके अंदर एक स्मॉल स्केल से हमने जो ड्राइंग बनाई हुई है और आजू बाजू के प्लॉट्स को भी हमने दिखाया हुआ है और रोड को भी उसके अंदर दिखाया हुआ है, तो उस प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्लान को दोस्तों हम लोग बोलते हैं साइट प्लान। क्या बोलते हैं? साइट प्लान। प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर ए रोड प्रोजेक्ट मस्ट कंटेन। प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब प्रिलिमिनरी सर्वे हम करने जा रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो सबसे पहला है सॉइल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, कंसेप्ट डिज़ाइन एंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। तो ये चार वस्तु इंक्लूड होती है प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट सर्वे रिपोर्ट के अंदर। सबसे फर्स्ट इज सॉइल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, कंसेप्ट डिज़ाइन एंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। देन इज द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर द लखनऊ रोड प्लान इज। नेशनल हाईवे की लेंथ एज पर लखनऊ रोड प्लान कितनी थी? नेशनल हाईवे की लेंथ जो है वो एरिया ऑफ द कंट्री किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्टी वो उसका नेशनल हाईवे का लेंथ था एज पर लखनऊ रोड प्लान की, मतलब उस पूरे कंट्री की एरिया कितनी है और उसको हम लोग 40 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो उस हिसाब से उसका हमें लेंथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड टू द एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन इन द रूरल एरिया विथ ए पॉपुलेशन ऑफ। तो ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमको क्या बताता है कि कितने से ज़्यादा लोग रहने चाहिए, तो इसका आंसर जो है हमको मिलेगा बी कि 500% एंड अबो इन द प्लेन एरिया एंड 250% एंड अबो इन द हिली एंड द डेजर्ट एरिया। तो 500 लोग जो हैं वो प्लेन और पर्सन एंड अबो इन प्लेन एरिया, 500 पीपल 500 से ऊपर हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अकॉर्डिंग उनके गांव को, उनके गैलरी को जो है पक्की सड़क के साथ जोड़ी जाएगी। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का डेडिकेशन है। नेक्स्ट इज सेमी ऑफिशियल बॉडी सेटअप फॉर कंट्रोलिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द रोड एंड द ब्रिज इन इंडिया। तो कौन सी बॉडी को सेटअप किया गया था कि फॉर द कंट्रोलिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द रोड एंड द ब्रिज इन इंडिया। तो हमने पता है कि इंडियन रोड कांग्रेस IRC की स्थापना की गई थी कि रोड और ब्रिज इंडिया में सुरक्षित हों, बेहतर हों, उसके लिए हम लोगों ने IRC को सेटअप किया था। नेक्स्ट इज नागपुर रोड प्लान हैज़ रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ रोड पैटर्न टाइप। अभी जो प्लानिंग था बॉम्बे, लखनऊ एंड नागपुर, ये तीनों रोड प्लान जो था, सबसे पहला प्लान जो था वो बॉम्बे प्लान था, उसके बाद नागपुर था, उसके बाद लखनऊ प्लान था, तो कौन से प्लान के अंदर हमने नागपुर रोड प्लान के अंदर हमने कौन सा पैटर्न यूज़ किया था, नागपुर रोड प्लान के अंदर हमने कौन सा पैटर्न यूज़ किया था, तो आंसर इज स्टार एंड ग्रिड पैटर्न हम लोगों ने यूज़ किया था नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड प्रोवाइडेड टू गिव एक्सेस टू द प्रॉपर्टी अलॉन्ग एज ए इम्पॉर्टेंट हाईवे विद द कंट्रोल एसेस एज एक्सप्रेस वे, फ्री वे आर कॉल्ड एज।
क्या आएगा, फ्रंटेज रोड। कौन सा रोड जो है एसएस प्रोवाइड करता है कि इम्पॉर्टेंट हाईवे और एक्सप्रेसवे के साथ वो जोड़ सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटेज रोड। नेक्स्ट इज ग्रेविटी मॉडल इज यूज इन द ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस फॉर द। ग्रेविटी मॉडल जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ग्रेविटी मॉडल क्या मॉडल स्प्लिट के लिए, या ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर ट्रिप जनरेशन, या फिर ट्रिप असाइनमेंट। तो आंसर जो है इसका आएगा कि ग्रेविटी मॉडल जो है यूज़ फॉर द ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन। सो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हाईवे इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। GPSC की PYQ सीरीज़ हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी आज से, तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है। जो सब्जेक्ट वाइज हम लोग इसको कंप्लीट करते चलेंगे। आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो है, और चैनल पे आप हमारे साथ पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।